दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरी रसोई में। आज हम कुछ बनाने वाले हैं। रोज ही हम कुछ बनाते हैं एंड समय हुआ है 2। एंड अर्लियर मैं क्या कर रही थी, अभी मैंने व्लॉग करना शुरू किया है। अर्लियर मैंने बहुत प्यारी प्यारी क्यूट सी इंस्टाग्राम के लिए एंड टिकटॉक के लिए मेकअप की टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोज़ रिकॉर्ड की हैं, पिद्दी पिद्दी सी 4-5। एंड अगर आप देखना चाहते हैं वो वीडियोज़ तो मेक श्योर कि आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लें, सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। एंड अब मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रेन फील कर रही हूँ क्योंकि कितना समय मैं बिता के आई हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर रिलैक्स कर लेती हूँ, पर फिर जब मैं रिलैक्स करने के लिए बैठ जाती हूँ ना, तो फिर उठने लिए दिल नहीं करता, राइट? एंड अर्लियर मैंने और हस्बैंड ने ओट्स एंड पीनट बटर सैंडविच खा लिया। सैंडविच नहीं, एक एक टोस्ट खा लिया, एक एक ब्रेड खा लिया हम दोनों ने। और अब मैं सोच रही हूँ कि कोई सब्जी बना लूँ। मैं आलू गोभी बनाने का विचार है क्योंकि आलू गोभी खाने के लिए मन है। जब आप बीमार हो के ठीक होते हैं ना, आलू गोभी बहुत अच्छी लगती है। वैसे मुझे लगता है पंजाबियों को आलू गोभी अच्छी लगती है, राइट? तो आलू गोभी बना लेते हैं, उसके साथ हम फुल्का खा लेते हैं। एंड अगले दिन हस्बैंड को उसको मैश करके परांठा खाना अच्छा लगता है। एंड कल फ्राइडे है एंड हिम्मत को छुट्टी है। हिम्मत बहुत एक्साइटेड है क्योंकि ये थैंक्स गिविंग का लॉन्ग वीकेंड होने वाला है, तो 4 छुट्टियाँ होने वाली हैं। इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड। एंड हिम्मत आएगा, अराउंड 1/2 आवर रह चुका है। तो मैं गोभी को तड़का लगा देती हूँ क्विकली, बहुत ज़्यादा टच नहीं करूँगी मैं, सिंपल सी गोभी बनाऊँगी मैं। एंड उसके साथ अपने लिए एक चाय का कप बनाती हूँ क्योंकि फिर कप बनाती हूँ, कॉफ़ी लेके आई थी मैं अदर डे। सो यस, कॉफ़ी का कप बनाते हैं। मैंने कॉफ़ी की रेसिपी भी मेरे इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे शेयर की थी और बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि उनके पास ये मशीन है पर उनको डबल डबल का टेस्ट वैसा अच्छा नहीं लगता। पर मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छी तरह मेरी वीडियो देखी नहीं है कि मैं वीडियो में बताती हूँ कि आपको क्रीम ऐड करनी है, उसको फ्रॉथ करना है, तो फिर उससे बहुत ही क्रीमी सी कॉफ़ी बनती है। वो कह रहे हमारी अच्छी पानी जैसी होती है। सो पानी जैसी को फिक्स करने के लिए ये वाले स्टेप्स बताए ना मैंने। कई बार ना आप वीडियो अच्छी तरह देखते नहीं है, देखा करें एंड फिर फॉलो करा करें इंस्ट्रक्शन, देन वैसा रिजल्ट मिलेगा, राइट? गोभी में डालेंगे एक अनियन, एक आलू एंड एक गार्लिक। आलू की मैं बहुत ज़्यादा फैन नहीं हूँ, मुझे गोभी अच्छी लगती है। आलू हस्बैंड खाते हैं तो इक्को ही पाएंगे। हमारी फ्रिज में मुझे लग रहा है कि गोभी की सब्जी ही बची है, बैंगन तो मैंने बना लिया। और एक बैंगन बचा है जिसको मैं बनाने के लिए लेके आई थी ना, वो लंबा सा आलू के साथ, वो बनाएंगे अदर डे। राजू बनाते हैं गोभी। सो गोभी को बाद में काटेंगे, पहले तड़के का सामान काट लेते हैं क्योंकि जब तड़का लगेगा तब गोभी काट के फटाफट हम काम कर देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। वो पीनट बटर, मैंने ना किसी का कमेंट पढ़ा कि पीनट बटर को फ्रिज में नहीं रखना होता, बाहर रखना होता है, पर इस पे लिखा हुआ है कि जब ये ढक्कन खोल लेते हैं तो इसको फ्रिज में रखें। आई डोंट नो, मे बी डिफरेंट ब्रांड्स का डिफरेंट होगा। ये किर्कलैंड का ब्रांड है, ये हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। Just too cool, I won't be a fool. Oh, when
दोस्तों हमारा क्विक खाना पीना होना हो चुका है। मैं ऑरेंज खाने वाली हूँ एंड अब मैं जाने वाली हूँ थोड़ा सा काम करने के लिए। एक तो मैंने कॉन्टैक्ट लेंस ऑर्डर किए थे प्रिस्क्रिप्शन वाले, अच्छे वाले, नॉट द कलर्ड वंस। एंड वो उनका कॉल आई थी कि वो आ चुके हैं, सो मुझे वो पिक करना है। एंड एक दो ग्रॉसरी के आइटम्स चाहिए जैसे कि दूध। सो जो मेरे डॉक्टर की दुकान है वो वॉलमार्ट के पास है, वहाँ पर जाऊँगी मैं। एंड ऑल्सो मैं विनर्स जाना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारे ये सोप डिस्पेंसर्स है ना, इनकी जो मुँह है वो बहुत पतला है एंड उसमें बहुत कम सोप आता है और हमें आदत है बार बार हैंड वॉश करने की। सो किचन के लिए हमारा जो मेन फ्लोर का वॉशरूम है वहाँ पे रखने के लिए मैं नए डिस्पेंसर लाना चाहती हूँ, बड़े मुँह वाले, ताकि यू नो मैं उनको रीफिल कर पाऊँ और खूब सारा सोप उनमें से निकले। आई थिंक दैट्स ऑल। तीन जगह पर जाना है मुझे, 4:15 हो चुके हैं। सो लेट्स गो, जल्दी से ये काम फिनिश कर देते हैं। अभी तक सनी है, सूरज के रहते रहते मैं वापस आना चाहती हूँ। और दोस्तों तो कॉन्टैक्ट्स लेके आई हूँ मैं मेरे, एंड एयर ऑप्टिक्स ब्रांड के कॉन्टैक्ट्स पहनती हूँ मैं काफ़ी लंबे समय से और इनकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। काफ़ी लाइट हैं एंड आप 12-13 घंटे तक पहन सकते हैं एंड बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपने कॉन्टैक्ट पहने हैं। एंड और क्या बताना चाहूँगी, 7 months की सप्लाई ली है मैंने, क्योंकि देन 7 months की सप्लाई लेती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा मैं। एंड देन हम इसको रिन्यू करेंगे क्योंकि फिर मैं एवरी ईयर अपने आई का भी चेकअप करवाने वाली हूँ ना। तो या पिछली बार से नंबर इसका कम है, अखा की रोशनी बढ़ गई है दोस्तों। पहले 350 था, अब 3 हो गया है, -3। सो आई एम डूइंग समथिंग वेरी नाइस आई थिंक। सो अगला हमारा स्टॉप होने वाला है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट 5 कदम की दूरी पे है। लेट्स गो। It's been a week, but it feels so much longer. And knowing that you're not alone makes it harder. They say to wait as long as it takes. इसका मुंह थोड़ा बड़ा लग रहा है। I don't know आप मुझे देख पा रहे होंगे या नहीं, बहुत ज़्यादा रोशनी है यहाँ पे। So Walmart जाना मैंने cancel कर दिया, मैं विनर्स चली गई थी। And अब मैं फिल कर रही हूँ गैस, क्योंकि गैस खत्म होने वाली है, पेट्रोल। एंड उसके बाद वॉलमार्ट जाना पड़ेगा क्योंकि विनर्स के पास ही शॉपर्स था, तो मैं उस शॉपर में गई। पर सोचा दूध तो ला लेते हैं, पर दूध में वहाँ पे था ही नहीं। सो विनर्स सॉरी वॉलमार्ट जाने का प्लान मैं कैंसिल करना चाहती थी, पर हुआ नहीं है। या फिर मेरे घर के नज़दीक वाले शॉपर से मिल्क ले लूँगी, क्योंकि अब ग्रॉसरी स्टोर में जाकर लाइन अप करने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा, क्योंकि ज़्यादातर स्टोर्स में ना क्राउड है इस समय। ओके दोस्तों, जब मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया था तो मैंने कहा था कि मैं कॉफ़ी पीने वाली हूँ, पर मैं काम में इतना ज़्यादा बिजी होगी, कुक करने में, खिलाने में, हस्बैंड को हिम्मत कर, मैंने मैंने हस्बैंड को एंड हिम्मत को मैंने बनाया नहीं। एंड अभी मैं आई हूँ बाहर से, मिल्क फिर मैं लेके आई हूँ। कहाँ से मैं लेके आई हूँ? सो दूध मैंने शॉपर से ले लिया। एक्चुअली मैं प्राइमर लेना चाहती थी वहाँ से, 2-3 डिफरेंट काइंड के मैंने पसंद करके रखे थे, पर कोई भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, शायद वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं। सो मैं लेके आई हूँ ये 7 का एयर ब्रश अवे पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड सो ये यूज़ करूँगी एंड मैं आपको बताऊँगी। वैसे फ़िलहाल मैं कौन से प्राइमर यूज़ करती हूँ, ये वाले 3 प्राइमर मेरे फेवरेट है आजकल, पर मैं थोड़ी अफोर्डेबल ऑप्शन भी ट्राई करना चाहती हूँ। लाइक एल्फ के प्राइमर को आजकल बहुत हाइप मिली है, बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है एल्फ के प्राइमर्स एंड ऑल्सो नेक्स के, पर हमारे शॉपर्स में कोई भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि सो यही बता रही थी मैं कि बहुत सारे प्राइमर मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं पर वो सारे सोल्ड आउट जा रहे हैं वॉलमार्ट में भी, जो मेरी अफोर्डेबल ऑप्शन हैं। सो ये मुझे मिल गया है, ये एक्चुअली थोड़ा महंगा किस्म का है, तो मैंने लगा लोग की ना खरीदते नहीं है, क्योंकि जो एल्फ के हैं अराउंड 3, 4, 5, $6 तक है, तो
तो वो सारे बिक जाते हैं, पता नहीं कब मुझे मिलेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ट्राई करके आपके साथ शेयर करने के लिए कैसी फिनिश आती है। सो गला कट करते हैं एंड चाय पीते हैं, कॉफ़ी बनाती हूँ मैं अपने लिए। एंड दूसरी चीज़ एक और, अभी थोड़ी देर पहले ना हमारी नेबर्स की बेटी है लेव, वो आई थी हमारे घर का टूर करने के लिए। आजकल ये ना बच्चे सारे ये कर रहे हैं कि एक दूसरे के घर में जाते हैं हाउस टूर करने के लिए। शायद मैंने किसी पिछले व्लॉग में बताया था, वो लेव का रह गया था हाउस टूर करने का। सो अब आज वो देख के गई है एंड शी सेड वेरी नाइस, एंड प्लान करके गई है कि किसी दिन हम वो आएगी एंड देन हम सारे इकट्ठे बैठ के मूवी देखेंगे। एंड नहीं क्यूट है ना वो, अगर कभी होगा मैं आपको दिखाऊंगी, पर मैं उसकी मम्मी को बिना पूछे अपने यूट्यूब पे वो उसको दिखाना नहीं चाहती हूँ। क्रीम को करेंगे थोड़ा वार्म। डबल डबल कॉफी। रियल एस्टेट एजेंट अपनी ड्यूटी पे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे वो। एक्चुअली अगर आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है या घर बेचना है या खरीदना है तो हस्बैंड को कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पता है वो कितने प्यारे हैं, मस्त प्रॉपर्टी ढूंढ के देंगे आपको। उनका सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनको मैसेज करें कॉल करें, जो भी उनसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। सो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ ताकि इन्हों की जी कन्वर्सेशन डन हो जाए। ओके बाय। हेलो दोस्तों, मैं वीडियो को कर रही हूँ एडिट एंड मैंने देखा कि उसके बाद मैंने उस दिन व्लॉग ही नहीं किया था और आउटरो भी नहीं की। पता नहीं किस चीज़ में व्यस्त हो गई होंगी मैं, चेता बोल गया है मुझे। सो मैंने सोचा यहाँ पे आके आपको करती हूँ बाय बाय। सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड बहुत सारे फ्यूचर में और व्लॉग्स आने वाले हैं, मैं मिलूँगी आपको उनमें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी confident and strong, you guys can do any freaking thing. All you have to do is think about it and take action. Guys, neend aa rahi hai mujhe. Bye, good night. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.